हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ मैं आज से बात करने वाला हूँ स्कूल लेक्चरर के लिए जो पेपर सेकंड होगा दोस्तों आप लोगों का मैथमेटिक्स का उसके बारे में। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? पेपर सेकंड। ठीक है, तो पेपर सेकंड जो होगा मैथमेटिक्स का, जिसकी भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ली होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आज मैं जो टॉपिक लूँगा वो लूँगा आपका लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंसिबिलिटी में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। तो लिमिट दे रखी है, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंसिबिलिटी, इनकी बेसिक नॉलेज, और एलजेब्रिक फंक्शन के लिए आपको आना चाहिए निकालना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आपको जो है लिमिट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग जानते हैं इसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है। आरपीएससी द्वारा जारी जो एग्जाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आपकी है दोस्तों 12 जनवरी। ठीक है, और 12 जनवरी जो युवा दिवस कहलाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, तो 12 जनवरी के दिन आपके मैथमेटिक्स का पेपर होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज से हम लिमिट। अब लिमिट टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिमिट जो होती है उसका तात्पर्य क्या है। लिमिट यानी कि एक सीमित होते, कहते हैं ना लोग कि तू अपनी लिमिट में रहे, लिमिट में रहे मतलब अपनी सीमा में रहे। तो इसके लिए एक तरह से हम एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन के लिए हम सीमा निकालेंगे कि इस के अंतर्गत तो ये फंक्शन डिफाइन है, इससे बाहर जाने पर या इसके अंदर आने पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये तो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स। अब आपको बोला है कि लेट आप एक कंसीडर करिए फंक्शन एफ एक्स, और उसे हम कंसीडर करते हैं 2x/x। ठीक है दोस्तों, अब हमने फंक्शन कंसीडर किया है 2x/x, इसकी हम वैल्यूज निकालेंगे। जैसे कि एफ ऑफ वन पे एक बार निकाल के देखेंगे, एक हम इसकी वैल्यू एफ ऑफ टू निकालेंगे, एक इसकी वैल्यू एफ ऑफ -1 निकालेंगे, एक इसकी वैल्यू हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे। अब एफ ऑफ वन का मतलब क्या हुआ? 2 × 1/1 कितनी देगा? 2। 2 पे क्या देगा? 2 × 2/2 कितनी आएगी? 2 ही आएगा, ये कट जाएगा। -1 पे क्या हो जाएगा? 2 × -1/-1, ये -1 से -1, तो ये भी 2। लेकिन आप जब 0 पे पहुंचे तो 2 × 0/0 ये हो गया 0/0 फॉर्म। अब देखिए यहाँ हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये जो 0/0 आ गया, अब जो अगर कोई स्टूडेंट मैथ का नहीं है तो वो तो क्या सोचेगा कि ये डिफाइन नहीं है और हम यहीं रुक जाते हैं। लेकिन आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने मैथ पढ़ रखी है, तो ये जो 0/0 फॉर्म बनी है इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ये डिफाइन तो होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ये 1/1 बन जाएगा या 0 बन जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड है। अब लेकिन हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो चाहिए। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालने के लिए हम इस टाइप के फंक्शंस की जब बन जाते हैं, जब 0/0 फॉर्म बन जाती है, इस टाइप की फॉर्म को हम सॉल्व करने के लिए जो लिमिट या जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? लिमिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिट कॉन्सेप्ट में देखिए ये एक 0/0 फॉर्म भी बनेगी। कोई क्वेश्चन होगा उसमें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन सकती है, किसी में 0 × इनफाइनाइट, किसी में इनफाइनाइट -इनफाइनाइट, किसी में 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0। ये 7 जो है इंटरमीडिएट फॉर्म्स है जो आपके लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने पर अलग अलग प्रकार से बनती है। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं अब हम इस लिमिट टॉपिक के अंतर्गत बात करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमने लिया फंक्शन पहला। आप लोगों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाते हुए चलूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चले। और हमने क्वेश्चन लिया दोस्तों कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर -4/(x-2) और इसकी लिमिट निकालनी है आपको x=2 पर। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू x²-4/(x-2) एट x=2, मतलब x=2 के ऊपर आपको जो इसकी लिमिट निकाल के बतानी है। अब अगर आप डायरेक्ट एफ ऑफ 2 निकालते हैं, मतलब फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं एट 2, तो 2 के ऊपर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 4-4/(2-2), 0/0 फॉर्म आई। यानी अब देखिए, अब ये 0/0 फॉर्म आ तो चुकी है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। 0/0 फॉर्म आ चुकी है तो इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सॉल्व करके हम इसे लिख देंगे x-2 × x+2/(x-2)। ये लिख दिया। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि x-2 काट देते हैं। नहीं दोस्तों,
इसमें भी दो केस हैं, जब x इज इक्वल टू टू होगा तब तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, तब तो आप काट नहीं सकते, और जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू टू होगा तो ये वैल्यू देगा हमें x प्लस टू। क्यों लिखा ये दो केस हमने, क्योंकि हम लिमिट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं लिमिट की ओर बढ़ रहा हूँ, तो प्लीज आप जो है अपना कंसंट्रेशन यहीं बनाए रखें, ठीक है। तो देखिए, जब हम x इक्वल टू टू लेते हैं और अगर x इक्वल टू टू यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, ऊपर जीरो इंटू बनेगा एक्स प्लस टू अपॉन में जीरो, ऊपर वाला हो जाएगा जीरो, जीरो अपॉन जीरो, तो नॉट डिफाइंड हुआ या नहीं। लेकिन जब एक्स इक्वल टू टू नहीं है, जब एक्स इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू थ्री है, एक्स इक्वल टू फोर है, तब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और x प्लस टू आ जाएगा, तो हमने x प्लस टू लिख दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है कि x नॉट इक्वल टू टू है, यहां पर भी तो दो चीजें निकल कर आ रही है कि एक तो हम क्या हो सकती है, x बड़ा हो सकता है दो से, एक केस, दूसरा केस x छोटा हो सकता है दो से, ये दोनों केस बनेंगे यहां। अब देखिए, अब हमारे पास में दो केस ये आ गए और तीसरा केस ये जो चल ही रहा है कि भाई नॉट डिफाइंड है, तो तीन तीन केसेस है। अब इससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में फंक्शन क्या है, अब हमारे पास जब एक्स इक्वल टू टू है, नहीं एक्स इक्वल टू नॉट टू है, तो हमारे पास फंक्शन बचेगा एक्स प्लस टू। अब इस एक्स प्लस टू को हम ग्राफ के ऊपर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें धीरे धीरे समझ में आना लगेगा कि हमें करना क्या है। हमें ग्राफ देखिए दोस्तों, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा धैर्य बनिए रखिएगा, आपको भी सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक्स प्लस टू एक लाइन है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ये बना दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दी। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हम टू पे तो ये डिफाइंड नहीं है, तो जब डिफाइन नहीं होता है किसी भी ग्राफ में तो वहाँ हम दोस्तों खोखला गोला बना देते हैं। जब भी कोई चीज़ डिफाइन नहीं हो कहीं पर तो हम उसके लिए वहाँ खोखला गोला यूज करेंगे, और ये किसके लिए है, जब एक्स की वैल्यू दो है, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम चार। क्यों, जब यहाँ डिफाइन नहीं है इसलिए हमने गोला तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन एक्स की वैल्यू जब टू रखते हैं तो फोर ही तो देगा। क्यों देगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू टू होने पर ये अगर जीरो जीरो कट जाए तो फोर ही तो आ रही है, वैल्यू तो फोर आ रही है ना, तो हम फोर मान के चलेंगे, ठीक है। अब जब दोस्तों एक्स की वैल्यू माइनस टू होगी, जब हम अब इस फंक्शन की पर्टिकुलर इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स प्लस टू की, तो जब एक्स की वैल्यू माइनस टू होगी, ये वाई के इक्वल ही तो है, तो देखिए अब फंक्शन बन गया हमारा वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। जब एक्स इक्वल टू माइनस टू है तो वाई इक्वल टू जीरो, मतलब ये रहा पॉइंट एक, तो जब आप एक्स की वैल्यू माइनस टू लेंगे तो वाई की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। फिर जब हम एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं दोस्तों, जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, टू, ठीक है। तो ये रहा एक्स की वैल्यू जीरो, ये वाला पॉइंट होगा या नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगी, जीरो कॉमा टू, तो ये एक लाइन बनती जा रही है ना, ये जो लाइन बनी है दोस्तों ये हमें रिप्रेजेंट करवा रही है एक्स प्लस टू को, ठीक है। अब देखिए, केस तो अभी जो है लिमिट वाला स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम दो की ओर बढ़ते हैं, टेंड्स टू टू, और इस तरफ से भी टेंड्स टू टू, मतलब जब हम टू के लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं, तो जब टू की ओर बढ़ते जाएंगे तो वाई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू चार की ओर टेंड करना स्टार्ट होगी या नहीं, जब हम टू की ओर बढ़ेंगे, जब एक्स की वैल्यू, हम अगर एक्स की वैल्यू 1.999 लेते हैं तो वाई की वैल्यू भी तो क्या आएगी, 1.99 प्लस टू, तो कितना हो जाएगी, 3.999। लेकिन क्या ये फोर बनेगा, कभी फोर तो बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू टू हमें नहीं लेना है, इसके अलावा टू से जस्ट छोटी 1.999999999 ये भी हम ले अगर, ये और ये लेते हैं हम लाइफ टाइम तक, ये लाइफ टाइम तक अगर हम लिखते चले नाइन, इतने भी नाइन ले लें लेकिन एग्जैक्ट टू नहीं लें, तो ये जो वैल्यूज निकल के आ रही है चार,
ये इसकी लिमिट है। मतलब इसकी लिमिट क्या हो गई इस फंक्शन की, कि ये चार के ऊपर अटकना चाहिए। फंक्शन चार के ऊपर अटक जाएगा जब x की वैल्यू 2 होगी, तो y की वैल्यू जस्ट 4 पे अटक जाएगी, 4 की ओर टेंड करेगी। अगर x इक्वल टू 2 पे 4 आ रहा है वो तो फंक्शन की वैल्यू हो गई, लेकिन आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ग्राफ, आपको वो पूछ रहा है कि वो लिमिट क्या होगी, तो वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 4 की तरफ टेंड कर रहा है या नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा, मतलब जो लिमिट निकलेगी यहाँ पर, वो निकलेगी 4 की ओर ट्रेंड होने वाली। तो हमारा जो आंसर की ओर बढ़ेगा, हम 4 की ओर बढ़ेंगे, तो टेंड किसकी तरफ कर रहे हैं, 4, तो लिमिट क्या निकलेगी यहाँ पर, 4। अब अगर हम x इक्वल टू 1.999 से भी बढ़ते हुए जाते हैं तो भी हम 4 की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 से भी अगर इस तरफ आते हैं तो भी 4.1, 4.2, 4.5 बढ़ेगा, लेकिन आएगा तो आखिर में कहाँ पर, 4 पर ही। तो जब दोनों तरफ की लिमिट्स, अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जब दोस्तों फंक्शन की लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर मैं देखिए x टेंडिंग टू है दोस्तों, एक मैं लिखूँगा a माइनस, मैं बताऊँगा अभी a माइनस का मतलब क्या है, और लिमिट f x x टेंडिंग टू a प्लस, दोनों अगर दोस्तों जो है इक्वल आ रही है किसी एक संख्या के, और वो संख्या मान लेते हैं दोस्तों कोई भी, b है, c है, कुछ भी है, मतलब b के इक्वल आ गई, सपोज करो, अगर ये केस बन जाता है कि, और अब देखिए बात करते हैं, माइनस का मतलब है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और प्लस का मतलब है दोस्तों राइट हैंड साइड। मैं वापस पीछे जाके बताऊंगा आपको, नो टेंशन रहिए कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, दोनों लिमिट अगर किसी एक संख्या के इक्वल आ जाए, या दोनों लिमिट जो है इक्वल आ जाए, तो वहाँ पर जो है उस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे, वो देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, जब आप 2 की ओर बढ़ रहे हैं तो भी दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, 4, क्या मिल रहा है, 4। जब हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें 4 मिल रहा है, जब हम यूं आते हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 ही तो मिलेगा। तो ये कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जब हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं तो चाहे 2 के छोटी संख्या की ओर से हम बढ़ते हैं, मतलब हम बढ़ते हैं 1 से लेकर 2 की ओर आते हैं, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये तो होता है लेफ्ट, और ये वाला साइड जो 2 से बड़ी ओर से आता है वो होता है राइट, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट साइड क्या होती है, वो यही होती है, लेफ्ट साइड होती है जब हम जो है 2 से छोटी संख्याओं की ओर से 2 की ओर बढ़े, और राइट साइड होती है जब हम 2 से बड़ी संख्याओं से 2 की ओर बढ़ते हैं। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लिमिट इक्वल आ जाती है तो उस फंक्शन के लिए लिमिट जो है दोस्तों एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में बात करें तो इसमें कौन सी फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो 4। तो अगर इस फंक्शन के लिए पूछा जाए कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 2, तो अगर यहाँ लिमिट पूछे हमें तो यहाँ लिमिट हो जाएगी हमारी 4, क्या 4, क्योंकि फंक्शन 4 पे अटक जाएगा, तो 4 इसकी लिमिट हो गई। तो ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन लिमिट के बारे में, इसलिए आप लोगों को अगर समझ नहीं आया है तो भी दिक्कत नहीं है, आप फंक्शन उठाइए और मैं आगे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब और डिटेल में समझ में आता जाएगा। थोड़ा सा आज पहली बार जो है दोस्तों मैथ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑफलाइन बहुत सब्जेक्ट 13 से 14 सब्जेक्ट पढ़ा रखी है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ऑनलाइन पर जो है दोस्तों ये वापस हाई लेवल की मैथ है, तो इसे बिना बोर्ड के पढ़ाना थोड़ा सा मेरे के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ी सी जो है आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड लिफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ही जो है दोस्तों इक्वल आ चुकी है हमारी, और हमें यहाँ समझ में आ गया कि जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन के लिए क्या है, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट जो भी निकलती है, यहाँ हमने बी मानी है तो बी निकलती है तो वो बी लिमिट हो जाती है। अब हम दोस्तों जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ अब कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ये लिखा हुआ होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और आप लोग ये सभी जानते हैं कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट बने हुए हो ये वाले,
तो इसे जो बड़े ब्रैकेट बने हुए हो तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक। लिखिए, मैं लिख ही देता हूँ। अब हिंदी में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे, तो महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है वो मैं फंक्शन टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझा लूंगा, लेकिन यहां पर मैं समझा दूंगा। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आप ये फाइंड करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दे रखा है, उसकी लिमिट आपको जब एक्सटेंडिंग टू 3 हो तब निकालनी है। अब दोस्तों जब भी ऐसा दे रखा हो तो सबसे पहले आप जो फंक्शन दे रखा है आपको वो लिख लीजिए। यहाँ फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसमें देखिए अब किसकी तरफ टेंड करवाना है, मैं 3 की तरफ टेंड करवाना है। तो जो भी ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन की जितने बार सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कर लीजिए। जब एक्स दोस्तों 3 है, इसने बोला है एक्स टेंडिंग टू 3 है, मतलब जब एक्स हम 2 से 3 के बीच लेते हैं, जब हम 2 से 2 ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं और 3 तक लेते हैं, और जब हम 3 को इंक्लूड करके 4 तक जाते हैं, आपको हमेशा एक संख्या ऊपर वाली लेनी है, एक संख्या नीचे वाली लेनी है 2 से, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर दे रखा है उसके लिए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकल जाएगी। ये हमारी लिमिट कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो जाएगी, तो लेफ्ट एंड साइड LHS, और ये हमारी हो जाएगी राइट RHS, राइट हैंड साइड। जब अब दोस्तों एक्स जो है 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा तो क्या होगा, 2.69 हो सकता है, 2.79 हो सकता है, 2.89 हो सकता है, 2.99 हो सकता है, 2.75678 ये हो सकती है, ये इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो क्या 2 और 3 के बीच में, क्योंकि हमने बोल दिया है कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही हमें लेनी, 2 और 3 के बीच में ही लेनी है। और जब 2 और 3 के बीच में दोस्तों होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जो इंटीजर हो वो आंसर होता है, इस पूर्णा इसको हटा दिया जाता है दशमलव को सभी को। तो जब हम 2 से 3 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 2 तो आएगा ही, तो इंटीजर क्या हो जाएगा 2, मतलब कि जब 2 और 3 के बीच में एक्स है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जब 3 और 4 के बीच है तो क्या हो जाएगी 3। तो अब हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 2, एक तो और एक 3। 2 कब, जब 2 और 3 के बीच हो, जब 3 और 4 के बीच हो। और आप अगर याद ही रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको ट्रिक के साथ मैं लिखवा देता हूँ, आप याद भी रख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है अगर कोई, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा वो होगी जो उसकी लिमिट है, मतलब अगर ए से लेकर के बी के बीच है तो जो ये छोटी वाली संख्या है वही इसका आंसर होती है, वही इसकी लिमिट होती है, वही इसकी जो है दोस्तों क्या हो जाएगी, ये लिमिट नहीं निकली है, यही वो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, वैल्यू हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 वैल्यू निकल रही है हमारे सामने, 2 और 3। अब जब हमारे सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 और 3 2 वैल्यू आ चुकी है, तो इसके लिए अब देखिए क्या हो गया, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैं एक सेकंड साइड वाला थोड़ा सा मिटाना कोशिश करूंगा, ये वाला समझाने के लिए लिखाया था, इससे कोई तात्पर्य निकलता नहीं है, ये सिर्फ आपको छोटी छोटी संख्याओं के माध्यम से मैंने बताया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं कि लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जब एक्स क्या हो 3 से छोटा हो, 3 माइनस यानी कि 3 से छोटा, मैंने पीछे बता रखा है आपको 3 से छोटा, ठीक है। और जब आप 3 से छोटा लेंगे और 2 से बड़ा ले रहे हैं तब लिमिट जो है हमारे सामने क्या आ रही है दोस्तों, 2 आ रही है, यानी क्यों इसकी वैल्यू क्या निकल रही है 2, तो वही तो 2 आंसर होगी। और जब हम दोस्तों, मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस यानी कि 3 से बड़ी होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो क्या देगा दोस्तों हमें, 3 देगा या नहीं। अब बताइए कि हमारे सामने 2 वैल्यूज निकल के आई या नहीं, जब 3 से बड़ा है तब हमारे सामने 3 आ रहा है, जब 3 से छोटा है तो हमारे सामने क्या आ रहा है, जब 3 से छोटा है तो हमारे सामने क्या आ रहा है दोस्तों 2। अब देखिए लिमिट दोनों बार अलग अलग है या नहीं, 2 और 3 दोनों ही लिमिट अलग अलग है या नहीं, तो बिल्कुल दोनों ही 2 और 3 नॉट इक्वल है,
दो और तीन नॉट इक्वल है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि दोस्तों आर एच एस नॉट इक्वल है एल एच एस के, और जब ये नॉट इक्वल होता है तो लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके लिए हम लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। आर एच एस और जो है आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके लिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है, इसके लिए जो है इसकी लिमिट इक्वल नहीं होगी, इसकी लिमिट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको जो है दोस्तों आगे और क्वेश्चन करवाऊं, तो देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करूं, मैं तो आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, दोस्तों आप नोट करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, जीरो मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड आउट, अगर हमें पूछा जा रहा है कि लिमिट मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू निकालने का बोले, तो अब हम क्या करें, जब हमें ये कह दिया दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट यानी कि एल एच एस और आर एच एस निकालेंगे। अब एल एच एस आर एच एस कैसे निकलेगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस है, जीरो माइनस है तो फिर दोस्तों आप लोगों ने ये जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, अगर एक्स जीरो से छोटा है मतलब कि एक्स क्या होगा, नेगेटिव ही तो है, जीरो से छोटा कोई भी संख्या हो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होता है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव एक्स से खुलेगा या नहीं, तो नेगेटिव एक्स अपॉन में एक्स है वो है ही, अब ये कट जाएगा और एक्स से एक्स कटेगा दोस्तों, क्यों, जीरो नहीं बोला है इसने, जीरो से कम बोला है, जीरो से कम में दोस्तों ये संख्या भी आती है 0.205 माइनस साइन के साथ में, क्योंकि 0.205 तो पॉजिटिव है, ये नहीं लेना है, जीरो से छोटा है नहीं माइनस, अब ये क्या है? जीरो है नहीं है, तो इसके लिए ये कट सकते हैं, और ये कटेंगे तो क्या वैल्यू देंगे दोस्तों हमें, -1। ऐसे ही दोस्तों अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस निकाले हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस है, एक्स की वैल्यू दोस्तों अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि एक्स क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव नंबर होगा कोई, और अगर एक्स पॉजिटिव नंबर है तो ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव एक्स के साथ यानी एक्स के साथ, बट्टे एक्स है ही है, तो ये एक्स से एक्स कट गया, क्या आ गई, +1। क्या लेफ्ट एंड लिमिट और राइट एंड लिमिट इक्वल है, नहीं, क्योंकि एक है -1 एक है +1, ये क्या है लेफ्ट एंड लिमिट, ये क्या है राइट एंड लिमिट, और जब दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, LNE लिमिट नॉट एग्जिस्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन आते हैं, लिमिट नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों जो है अगर आप लोगों को ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आज वाला थोड़ा सा भी दोस्तों समझ आया है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा सुधार करूंगा, और ज़्यादा आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट किया जाएगा, और जो है हो सकता है कि उसमें मैं बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों को जो दोस्तों क्या है कि हमारे पास में इतना फंडिंग नहीं है कि हम कैमरे वगैरह से खरीद सके, अगर इतना फंडिंग हो जाए तो फिर हम बिल्कुल जो है पढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो लिमिट टॉपिक जैसे ही पूरा होगा उसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में अवेलेबल होगी, ठीक है दोस्तों, उसकी नो टेंशन रहिएगा। तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो दोस्तों शेयर करिए, आज से दोस्तों आप लोगों के लिए शुरुआत की जा रही है, अगर आप लोगों का साथ बना रहा, आप लोगों का कोऑपरेशन हमारे साथ में रहता है, तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल दोस्तों जो है कब तक
जब तक आप कहेंगे, यानी कि 12 जनवरी तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन जारी रखूंगा। और आप लोग जो है दोस्तों, अगर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी मैं रखूंगा, सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए दोस्तों, आज मैं जो है एक आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन करके आए, ताकि मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में और मज़ा आएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा कि हाँ जो है अब हमें मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन पर ऐसी कोई क्लास आप लोगों को उपलब्ध कोई नहीं करवा रहा है, क्योंकि दोस्तों सभी को पैसे चापने हैं। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों को उस क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व करके लाना है। लेट लेट यानी कि माना, हिंदी इंग्लिश वाले थोड़ा सा कॉपरेशन करिएगा। एप एक्स और आपको दे दिया 2x-3 और 4-x3, एक्स की पावर 2 है। सॉरी दोस्तों, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। एक्स की पावर, ठीक है, ये 2 है, एक्स की पावर 2, ठीक है दोस्तों। कब कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब तो हमारे पास में है 2x-3 और 4-x2, जब हमारे पास में एक्स लेस देन 2 है, ठीक है। और हमें जो है क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। एक्स टेंडिंग टू जब 2 है दोस्तों, तब एफ एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्लीज ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसको जो है हमारी तरफ से पहला टेस्ट जो है फ्री हमारी तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा, तो प्लीज इस क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करिएगा। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो ही समझे के उसे समझते हुए पूरा पहले मेरी तरफ से दोस्तों अभी माने, तो आप जो है इन क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों समझ भी आए और आप लोग जो है नोट्स भी बना सके। आप लोगों को जो है डेफिनेशन वगैरह अभी मैं लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, ये क्रैश कोर्स की तरह चलेगा, थोड़ा सा फास्ट है तो बता दीजिएगा, ताकि मैं स्लो भी कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आप सभी लोगों का सपोर्ट बना रहे और आप लोग जो है हमारे साथ में इसी तरह जुड़े रहे। थैंक यू।